हेलो स्टूडेंट, मैं एसबी सिंह आपका अपने ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र फर्स्ट यूनिट स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके संदर्भ में जो मैंने पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। ये भी आपको बताया गया औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्याय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था किंतु कृषि क्षेत्रगत ही नहीं रहा है, इसमें ह्रास के ही प्रमाण मिले हैं। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक शासन काल में किस प्रकार रहा। तो विदेशी व्यापार में आप देखेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन व्यापार और सीमा शुल्क की जो प्रतिबंधकारी नीतियाँ थीं उनके कारण विदेशी व्यापार की संरचना स्वरूप और आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयात तक हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड के साथ होता था, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से होने दिया जाता था। स्वेज नहर का मार्ग खुल जाने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और अधिक सख्त हो गया। अब स्वेज नहर के खुलने से इंग्लैंड को ये लाभ हुआ कि वह उसे अब अफ्रीका के दक्षिणी भाग का परिचक्रण करके आना नहीं पड़ता था। वह आसानी से एक छोटे और सस्ते परिवहन मार्ग द्वारा भारत तक अपनी पहुंच बना सकता था। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा कार्य है, अर्थात आयात की तुलना में निर्यात अधिक थे। आपको लग रहा होगा कि यह अच्छी स्थिति है, परंतु इस निर्यात का जो लाभ है निर्यात अधिशेष का वह भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण यह था कि जो आवश्यक वस्तुएं थी जैसे मिट्टी का तेल और खाद्यान्न इत्यादि, यह अंग्रेजों द्वारा इस निर्यात अधिशेष का खर्च आवश्यक वस्तुओं पर नहीं किया जा रहा था, वरन यह खर्च वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो व्यवस्था बनाई गई थी उस शासन का खर्च उठाने पर ही लगा दिया जाता था। साथ ही अंग्रेजी सरकार के जो युद्धों पर व्यय तथा दृश्य मदों के आयात पर व्यय, यह भी इस निर्यात अधिशेष का हिस्सा इन पर भी खर्च कर दिया जाता था। तो मुख्य तौर पे हम देखें तो ये देखेंगे कि निर्यात जो अधिशेष होता था वह भारत का जो अंग्रेज शासक वर्ग था उनका खर्च उठाने पर चला जाता था और बचा हिस्सा अंग्रेजों द्वारा युद्ध आदि पर व्यय किया कर दिया जाता था। तो निर्यात अधिशेष का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता था। अब हम देखते हैं
कि जननांकी परिस्थिति क्या थी। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या की के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। अर्थात इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भारत की पहली नियमित जो जनगणना हुई थी वह 1881 में की गई थी। इसके पहले 1872 में एक संक्षिप्त प्रयास किया गया था जनगणना का, परंतु यह सैनिक उद्देश्य हेतु किया गया था। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत की जनगणना होती रही। माना जाता है कि 1921 के पूर्व का भारत जननांकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। प्रथम सोपान का तात्पर्य यह है कि उस समय 1921 से पहले भारत की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं दिखाई देती थी। 1911 और 21 के मध्य तो भारत की जनसंख्या घट भी गई थी, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है जनगणना के इतिहास में। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, जिसमें जन्म दर जो है वह मृत्यु दर से अधिक हो गई। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी। अब विशाल क्यों नहीं थी ये आप समझ रहे होंगे कि जन्म दर भी अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी, इसके कारण जनसंख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ रही थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता नगण्य थी, केवल 7% आकी गई। जन स्वास्थ्य सेवाएँ अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं थी। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। अर्थात जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध थी वो भी बहुत ही कम थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे जो संक्रामक रोग थे उनका प्रकोप बहुत अधिक होता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति 1000 हो गई है, पर उस समय तो यह 218 प्रति 1000 थी। जीवन प्रत्याशा भी आज के 69 वर्ष की तुलना में उस समय केवल 44 वर्ष थी। परंतु ये आंकड़े बहुत विश्वस्त नहीं थे। अब गरीबी के प्रसार के संदर्भ में बात किया जाए तो उस समय गरीबी के आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए कोई जो है व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया। हाँ, इतना अवश्य है कि भारत की जनसंख्या जो थी वह बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। उनका रहन सहन और उनके जो विकास का स्तर था वह बहुत ही निम्न है। जो अंग्रेज़ों ने विकास कार्य किए उनका उद्देश्य जो था वह जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं करना था। वे कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से जो पहले सड़कें बनी थी वह आधुनिक यातायात के लिए उपयुक्त नहीं थी। अंग्रेज़ों ने जो सड़कें बनाई उनका ध्येय केवल यह था कि उनकी सेनाओं के आवागमन सुविधापूर्वक हो सकें। भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल जो है रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों तक पहुंच सके, और इस प्रकार भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाए और इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं आकर भारत के बाज़ारों में पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में स्थिति और भयानक हो जाती थी। देशवासियों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट जाता था। हाँ, अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। 1850 में उन्होंने भारत में रेलों का आरंभ किया, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक
व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो निर्यात का लाभ था वह अंग्रेजों द्वारा शासन चलाने पर खर्च हो जाता था। अंग्रेज का शासन चलाने में अधिकांश अंग्रेज अधिकारी थे, साथ ही अंग्रेजों द्वारा जो भारत पर थोपे गए युद्ध आदि थे उनका खर्च उठाने पर चला जाता था, तो निर्यात का लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाता था। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्ग भी अलाभकारी सिद्ध हुए। इसको उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, उड़ीसा के तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। इसका निर्माण जो है कि रेल मार्ग से जो है के किनारे किनारे किया गया था, इस कारण यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाया और अंततः इस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था, दूसरी ओर डाक सेवाएं जन सामान्य के लिए वरदान थी, परंतु यह पर्याप्त नहीं थी, इनमें भी विस्तार की आवश्यकता थी। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, अर्थात जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक श्रम जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था, और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता जो थी वो बहुत ही कम थी। औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी पिछड़ा था, गतिहीन अवस्था में था। उसमें आधुनिकीकरण, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता थी। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था, अर्थात जो इंग्लैंड में उद्योग विकसित हो रहे थे उनके लिए भारत से कच्चा माल जा रहा था और बना बनाया सामान जो है भारत के बाज़ार में पहुँच रहा था, अर्थात अंग्रेजों के लिए भारत एक बाज़ार था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याण उन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में हम कहें तो देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। तो इस प्रकार यह अध्याय यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके प्रश्न और उत्तर हल कराऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट।